जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। आप देख रहे हैं News24 इटली। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो गर्व है हमारा, हमारे पाकिस्तान का, बानी पाकिस्तान के पोते हैं हमारे साथ, मुनीब इकबाल साहब। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, आज हमें अपना खसूसन टाइम दिया। आज हमसे इनसे बातें करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, इनके दादा के टाइम के हवाले से, इनके वाले साहब के बारे में। पाकिस्तान आज जश्न आज़ादी है, हमारी तरफ से इस चैनल के बिहाफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक दिल की गहराइयों से। सलाम वालेकुम मुनीब साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर बिस्मिल्लाह वालेकुम सबको सलाम जी। योम सर आज़ादी सबसे मुबारक। पहले तो खैर मुबारक। सर सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि यूरोप में बैठे हुए लोग आपको देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। तो हाँ जी, सर मैं हमें माजरा थोड़ी सी आप गाइडिंग पहले करिएगा मैं कि थोड़ी जी सी माजरत कर लूँ, क्योंकि मैं आपको आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे कि सारा दिन आज वो मैं हजरत अलामा के मजार पे और दूसरी जगहों पे फिरता रहा हूँ, और जी काफी मसरूफ और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो मैं माजरत खा हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो मैं एक छोटी सी कहानी कोई बात हजरत नहीं सर, अलामा आप इकबाल आ गए हमारे लिए यही काफी है, कोई मसला शुरू नहीं में है। वैसे एक छोटी सी कहानी हजरत अलामा इकबाल की सुनाना चाहता था। जरूर जरूर उन्हीं के बारे में बात है जी सर। हाँ, तो जब अलामा इकबाल साहब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके एक उस्ताद होते थे मौलवी सैयद मीर हसन, आपने सुना होगा शायद। जी, माशाल्लाह सुना सुना। उन्होंने जब हजरत अलामा को जब अंग्रेज ने सर का खिताब देने की कोशिश की तो अलामा साहब ने सर का खिताब सिर्फ इस शर्त पे कबूल किया कि उनके उस्ताद को भी साथ शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, जो उस जमाने में सबसे ऊंचा एजाज था जो असातिज़ा को दिया जाता था, शम्सुल उलमा। माशाल्लाह तो अलामा साहब की अपने उस्ताद के लिए इतनी इज्जत और मोहब्बत थी कि उन्होंने सर का खिताब इसी बात पे कबूल किया कि मेरे उस्ताद को साथ शम्सुल उलमा का खिताब दो। तो अंग्रेज ने पूछा कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो अलामा साहब ने कहा कि मैं चलती फिरती उनकी किताब हूँ। तो वो माशाल्लाह जो असल वाकया मैं आपको सुनाना चाहता था वो ये था कि एक दिन अलामा साहब जब स्कूल जाते थे तो मौलवी मीर हसन उनके उस्ताद थे। तो हजरत अलामा एक दिन क्लास में लेट पहुंचे, जिस तरह आज मैं आपके पास लेट पहुंचा हूं। तो उस्ताद बड़े नाराज हुए कि तुम देर से क्यों आए हो। तो हजरत अलामा ने फरमाया, इकबाल हमेशा देर से आता है, क्या तो बात है, इसलिए क्या बात है। मैं भी लेट हो गया हूँ। सॉरी, ये खानदानी नहीं ट्रेडिशन नहीं क्या नहीं है सर, आपकी। मैं आपकी मसरूफियत समझता हूँ, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने वक्त दिया। सर मेरा मेरे कुछ सवाल है आपसे, काफी जी लोग सुनना चाहते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, जो पाकिस्तानी टीवी चैनल है वो यहाँ पे चलते नहीं है, तो हम लोग जी जी ज्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी भी चीज को। आज बहुत से यहाँ पे जो लोग हैं उनको आपका दीदार हुआ है, और कुछ लोग आपको नहीं जानते थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरीके से कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो कम्युनिटी यहाँ पे रहती है यूरोप में, स्पेशली जो पाकिस्तानी है, जो कुछ ऐसी फैमिली जो इधर ही पैदा हुए हैं उनको इतना इलम नहीं है, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहें, कुछ कन्वे करना चाहें। हाँ जी, जरूर। मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी गैर मुल्क में दियारे गैर में रहते हैं, काम करते हैं, अपनी रोजी कमाते हैं, वो एक तरह से ना ही सिर्फ पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं बल्कि वो उसके साथ साथ हजरत अलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के सफीर भी होते हैं। तो आपको चाहे हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत हो, हमारे जो मुल्क के बानियान हैं कायदे आजम और हजरत अलामा इकबाल, हमें उन माशाल्लाह दोनों की तरफ उनको अपना रोल मॉडल बना के उनके म्यार के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए बैरूने मुल्क में भी, और ऐसा अपना बर्ताव करना चाहिए कि तमाम जो उस मुल्क के लोग हैं वो आपके साथ बहुत खुश हों और आपको फख्र हो कि आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियत को इतना लोगों के साथ उनका रवैया और सलूक इतना अच्छा होना चाहिए कि हर कोई आपकी इज्जत करे और आपसे मोहब्बत करे। मुझे तो पाकिस्तानियों से यही तवक्को है, जहां पे भी वो जाएं माशाल्लाह मेहनत करें, अपना नाम कमाएं, अपनी मुल्क का नाम रोशन करें, हजरत अलामा इकबाल और कायदे आजम का नाम रोशन करें। हमारे मुल्क की जो सबसे जानी हुई शख्सियात हैं वो हमेशा कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और अलामा इकबाल साहब हैं। तो जब भी आप एग्री वहां पे एग्री अगर कोई सही तरह कारकर्दगी नहीं करते तो उसका जो ब्लेम होता है या उसकी जो बुरा समझते हैं लोग, वो पाकिस्तान को बुरा समझते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी करने की कोशिश करें। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको कह ले, ये को मैं
ऐसे चक्कर में तो नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ हुक्म दे सकूं, पर ये मेरी आपसे गुजारिश या रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का नाम जहां पे भी आप जाते हैं जरूर रोशन करें, अच्छा किरदार अपना पैदा करें, लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आए। जी सर, सर आप इकबाल फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, उस हवाले से कैसी चल रही है आपकी फाउंडेशन, क्या काम कर रहे हैं? मेरे तो इस तरह के कई इदारे हैं जिनका मैं सरपरस्ते आला भी हूँ, वो तो चलती रहती हैं सारी। तो सर हुकूमती इदारे आपसे ताउन करते हैं जो आपको आपकी फाउंडेशन के लिहाज से, क्योंकि आप हमारे मुल्क के हमारे कोई ऐसी खास मैं नहीं चलाता, मैं तो मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक हूँ। तो यहाँ पे हुकूमत ऑफ कोर्स अलामा साहब की यही बात है कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं, मैंने जो महसूस किया है पिछले कुछ अरसे में खास तौर पे, मैं आप किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर वो सियासी गुफ्तगू हो जाएगी। हमारे नहीं नहीं जी सर, हमारी आजादी पे बात है, सियासी गुफ्तगू के पे नहीं है कोई। जी हमारी आजादी पे बात है, सियासी गुफ्तगू पे हमारी नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, तो मैं पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो कायद आजम और हजरत अल्लामा इकबाल के बुनियादी नजरियात थे, हमारे सियासी हुक्मरान उससे बहुत आहिस्ता आहिस्ता दूर से दूर होते जाते हैं। बिल्कुल सर, ये मैं तस्लीम करता हूँ। कायदे आजम और हजरत अल्लामा इकबाल का नाम तो जरूर ले लेते हैं, उनके नाम पे सड़कें रख देते हैं, उनके नाम पे इदारे रख देते हैं, पर उनपे एक्चुअली अमल दरामद नहीं करते। उनके जो अफकार थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो अहकाम थे, उनकी सही तरह से पैरवी नहीं करते। सर अलामा अलामा साहब जो थे वो एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते थे, वो और स्टूडेंट को वो बड़ा पसंद करते थे, और पाकिस्तान की जो इफ्तिताई तकरीब थी मुस्लिम लीग कि वो स्टूडेंट से ही शुरू हुई थी। तो आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं उस वक्त की एजुकेशन को आज की, हालांकि अभी डिजिटल दौर है, उस वक्त डिजिटल दौर भी नहीं था, स्टडी में बहुत मुश्किलात होती थी लोगों का आना जाना, तो आपका ओपिनियन क्या है कि आज के दौर में हम एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, हमारी जाती जुबान उर्दू है, हमारी असम्बलियों में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी अदालतों में जजेस सब कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, हम अपनी जुबान को भूलते जा रहे हैं न्यू जनरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा आप कैसे देखते हैं? मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि उर्दू खास तौर पे एक तो कायदे आजम की चुनी हुई जुबान है कौमी जुबान के लिए, और उर्दू का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि एक सूबे की जुबान नहीं है, वो ऐसी जुबान है जो कि बरेसगीर के तमाम मुसलमान बोलते थे। तो एक तरह से ये बरेसगीर के मुसलमानों की जुबान थी, जिसको अल्लामा साहब ने भी बहुत पसंद किया और उसमें शायरी की। अल्लामा साहब पंजाबी में भी शायरी कर सकते थे, किसी और जुबान में भी कर सकते, फारसी में तो करते थे, बट बिल्कुल फारसी में। उर्दू को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि बरेसगीर में मुसलमानों में ये सबसे कॉमन जबान थी, जो सारे मुसलमान पढ़े लिखे जो थे उस जमाने में वो बोलते थे। आज के दौर में हम, अब अल्लामा साहब का जो दौर था या अल्लामा साहब से पहले का जो इमीडिएटली पहले का दौर था, सर सैयद का जो दौर था, उस जमाने में हमारे मुआशरे में मुसलमानों में ऐसे अनासर थे जो मुसलमानों को तालीम से दूर रखते थे। वो ये कह के कि जी आप अंग्रेजी तालीम पढ़ेंगे तो आप इस्लाम से दूर हो जाएंगे, कुरान मजीद को भूल जाएंगे, नाउज़ु बिल्लाह, इस तरह की बातें करते थे। तो अल्लामा साहब ने वो तालीम को फरोग देने का पैगाम दिया, तहकीक को फरोग देने का पैगाम दिया, आगे बढ़ने का पैगाम दिया। तो एक तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि हम उर्दू को वो मकाम नहीं दे सके अभी तक जो कायदे आजम या हजरत अल्लामा इकबाल साहब चाहते थे। मैं तो यहां तक भी समझता हूँ कि कायदे आजम को अल्लामा साहब ने ही मशवरा दिया था कि उर्दू को कौमी जबान बनाया जाए। मैं तो यहां तक समझता हूँ, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बट मेरा कोई जाती जो तजर्बा है या तहकीक है उसे मुझे ये ख्याल पड़ता है। एक तो कोई ठोस बात तो होती है ना जिसकी आपके पास कोई एविडेंस हो, पर मुझे ये ख्याल पड़ता है कि अल्लामा साहब ने ही कायदे आजम को मशवरा दिया था कि उर्दू को कौमी जबान बनाया जाए, क्योंकि ये एक तरह से हमारे चारों सूबों की जंजीर है। मैं जब छोटा होता था तो मुझे याद है कि हम मुख्तलिफ केपीके में जाते थे फर्ज करें, तो वहां पे कुछ इलाकों में कम लोग होते थे जिनको उर्दू आती थी। लाहौर में या पंजाब में आप जाते थे तो ऐसे कम इलाके होते थे जहाँ पे ज्यादा लोगों को पंजाबी आती थी और कम लोगों को उर्दू आती थी। सर अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत से पंजाब में लोगों को उर्दू जुबान बोलनी नहीं आती, केपीके में भी। अब जो मैं महसूस करता हूँ कोई 30-40 सालों के बाद या 30-40 साल कह लें आप, लोगों में उर्दू का रुझान बहुत बढ़ गया हुआ है।
जिस तरह पहले जमाने में आज से कोई 40 साल पहले, मेरा बचपन तो 40-50 साल पहले ही था, तब उर्दू इतनी कॉमन नहीं थी। अब जब आप बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, चाहे आप पंजाब में दाखिल करें, चाहे आप सिंध में दाखिल करें, चाहे आप बलूचिस्तान में दाखिल करें, चाहे आप केपीके में दाखिल करें, टीचर आपको कहते हैं कि अपने बच्चे के साथ उर्दू में बात किया करो, वरना तुम्हारा बच्चा स्कूल में पीछे रह जाएगा। क्योंकि ये वाकई हकीकत है, क्योंकि हमारा सारा तालीम का जो निज़ाम है वो आप उर्दू की बेस पे है, पर जो हमारी गवर्नमेंट फंक्शनिंग है वो अभी तक इंग्लिश में है, जिस तरह के आपने फरमाया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म किया हुआ है कि आप उर्दू को कौमी ज़बान बनाएं, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं अभी जिसमें उस पे कुछ टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन हम उर्दू को वाकई उस मुकाम पे ले जाएंगे जिस तरह हजरत अल्लामा और कायदे आज़म इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, हमारा भी ख्वाब है कि ये उर्दू की जो जुबान है इसको हम अपने स्कूलों में, अपने अदालतों में, हर सिस्टम में, पॉलिटिशियन वगैरह जितनी भी, सारे उर्दू, क्योंकि हमारी जुबान, हम इसको नहीं देते, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमारी फख्र होना चाहिए अपनी कौमी जुबान पे। बिल्कुल फख्र होना चाहिए अपनी, हमारे सब कुछ इंग्लिश पढ़े, अंग्रेजी में आगे बढ़े, बट अपनी कौमी जुबान को जो उसका मुकाम है वो देना जरूरी है। हमारे लिए बाइस फख्र और शनाख्त है हमारी जुबान। सर आप ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सख्त सवाल है, हम लोगों ने 1947 में आजादी तो ले ली, आप क्या समझते हैं हमने दिमागी आजादी ली है कि नहीं, अभी भी हम दीनी गुलाम है या नहीं है, आप इस बारे में क्या समझते हैं? जो हमारी वक्त वक्त की बात होती है, आप पाकिस्तानियत और हुबुल वतनी हमारे नौजवानों में, नौजवान नस्ल में, खवातीन में, हजरात में बहुत ज्यादा है। आज सारा दिन मैं योम आजादी में मुख्तलिफ तकारीब में फिरता रहा हूँ, मैंने देखा है कितने लोगों के जमघटे, आपने भी वीडियोस में मेरे देखा, लाइव वीडियोस में आज चला रहा हूँ, लोगों के जमघटे लगे हुए थे हर जगह पे। ये जो जज्बा है, और सड़कों पे मैंने उसकी तो फिल्म नहीं चलाई, बट जो सड़कों पे ट्रैफिक थी, मुझे तो घर आते हुए को तकरीबन 2 घंटे लगे उधर शाही किले से लाहौर घर वापस। अच्छा सर, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा वाकया जो अलामा साहब का और कायद अजम अली जिन्ना साहब का बयान करे, लोगों को दिलचस्पी उनके, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन को, उनको आज की जनरेशन को ये नहीं पता उनकी उनकी पैदाइश कब हुई थी, उनकी वफात कब हुई थी, हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, उनका कोई वाकया अगर आप बयान करना चाहें उनका आपस का। वाकया तो बहुत है, बुनियादी तौर पे हजरत अलामा इकबाल का जो सारा किरदार है तख्लीक पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान, वो 2 या 3 बातों पे मुश्तमिल कह लें आप। एक तो हजरत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के जरिए वो जो कहते हैं ना सोई हुई कौम को जगाया था जी सर, वो ना ही सिर्फ उन्होंने जगाया था पर उन्होंने आपको आपकी शनाख्त का शऊर दिया था कि आप मुसलमान हैं, आप एक कौम है, आपके बुजुर्ग देखें वो कैसे थे और आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ पहुंचे हुए। ये अल्लामा साहब ने अपने कलाम और शायरी के जरिए लोगों में शनाख्त और शऊर पैदा किया जो बड़े सगीर के मुसलमान थे। फिर उन्होंने मुतबा इलाहाबाद के अंदर 1930 में एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया, उसका जो बुनियादी मकसद था कि अगर बड़े सगीर को आप पूरी तरह से देखें, मुसलमानों ने उस पर 1000 साल हुकूमत किया है बड़े सगीर पे, पर हमेशा नंबरों के हिसाब से एक अकलियत थे पर हाकिम थे, क्योंकि उनकी पॉलिसी इस तरह की थी, लोगों के साथ गुजारा करते थे, अकोमोडेट करते थे लोगों को। उन्होंने मुगल जितने भी बादशाह थे मुसलमान थे, पर वो उनकी जो तादाद मुसलमानों की थी वो दूसरी कौमों से कम थी, पर फिर भी वो हुक्मरान थे। पर अगर जमहूरी निज़ाम का इतलाक किया जाता तो हम हमेशा के लिए अकलियत बन जाते, उसमें हम कभी आगे ना बढ़ सकते। जी सर बिल्कुल, हमें अपने हकूक हासिल करने के लिए एक अलग रियासत जरूरी थी। तो अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में ये बात की, और फिर उसके बाद जो सबसे मेरे नजदीक मुश्किल काम था वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायल करना था, और सबसे मुश्किल काम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया जिन्होंने हमें ये मुल्क हासिल करके दिया। बिल्कुल, हमें आजादी दी, हमें सुकून दिया, हम एक आजाद मुल्क में सांस लेते हैं, हमारा सब्ज परचम है, हमारी आर्मी। अच्छा सर, आपने कायदे आजम की काविश थी हजरत अल्लामा इकबाल के कहने पे या उनके साथ सलाह मशवरे के बाद, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अकेले शख्स थे मेरे नजदीक जिन्होंने ये हमें सब कुछ हासिल करके दिया।
अलामा साहब तो ऑफकोर्स 1938 में वफात पा चुके थे, 9 साल पहले जी, पाकिस्तान के बनने से, बट ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कारनामा और करिश्मा था, एक तरह से मुजज़ा था कि उन्होंने ना ही सिर्फ अंग्रेज बल्कि वो जो कांग्रेस पार्टी थी इंडिया की, वो तो चाहती ही नहीं थी कि पार्टीशन हो या अलहदा मुल्क बने या इस तरह की बात, वो कहते थे जो नेहरू का जो ख्वाब था, गांधी साहब का जो ख्वाब था, जो नेहरू साहब गांधी साहब चाहते थे कि कभी भी कांग्रेस अलग ना हो, काफी इन्होंने की, नेहरू ने काफी हमारे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक सोच थी, हम एक विजन, एक नया मुल्क दिया आजाद मुसलमानों के लिए। अच्छा सर, आपने काफी चीजें देखी हैं, आपके दादा थे अल्लामा इकबाल साहब, आपके वाले साहब थे, आपने जंगें भी देखी हैं, आप अपने बचपन के पाकिस्तान की पहले बात बताएं, आपके बचपन में आप जो जिस पाकिस्तान को देखते थे उस तब, फिर 90 की दहाई के जो एंड पे आपने पाकिस्तान देखा, अब जो सिचुएशन है इसके बारे में जरा मुझे वन बाय वन करके बता दें। पहले अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका वक्त अल्लामा साहब के साथ आपने क्या देखा। जो सबसे इब्तदाई यादें हैं वो तो गालिबन आपके यूनाइटेड पाकिस्तान की है, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होते थे। मेरी जो अर्लीस्ट याददाश्तें हैं वो तो उस दौर की हैं, वो तो आप लोगों ने गालिबन किसी ने देखा ही नहीं होगा जब हम जी सर बिल्कुल से हम जानना चाह रहे हैं आपसे। मुझे वो 1971 की जंग याद है, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 लख हुआ था, वो भी एक बहुत ही अफसोसनाक दौर था, वो जो बांग्लादेश ढाका का जो हुआ था। हाँ जी, बड़ा अफसोसनाक दौर था, मुझे मेरी उम्र था कोई 5 या 6 साल थी, मुझे याद है वो। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया, फिर जियाउल हक का, जनरल जियाउल हक का दौर आया, फिर उसके बाद जो भी हुआ वो आप सबको मालूम है। नहीं सर, हम तो बड़े हुए मुशर्रफ दौर में, हमें थोड़ी सी होश आई है, पिछला इतना याद नहीं है। मेरे नजदीक देखे हर दौर का ना अपना एक वक्त होता है, हर हुक्मरान का। जुल्फिकार अली भुट्टो जिस दौर में जिस तरह इक्तदार में आए, वो एक अपना उनका एक दौर था, वो एक शायद उस वक्त की जरूरत थी कि हम पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े सानहे में से गुजरा था, ये ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के सानहे में से गुजरा था। तो सर ये उधर से क्यों हुआ, एक तरह से जो हमारा अलग होना क्यों हुआ उनके साथ जी, हमारा अलग होना क्यों हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा था आखिर हम लोगों ने, आपने तो, आपको तो पता है, जरा बता रहे हमें इस बारे में, इतनी डिटेल में नहीं पता। वो एक बहुत लंबी बहस है, वो मैं इस वक्त तो शायद मौजू ना हो, बट मैं ये महसूस करता हूँ कि आखिर तक ईस्ट पाकिस्तानी इतने हमसे अलहदा नहीं होना चाहते थे जितना इंडिया के हमले से हुए, एक तो। दूसरा, मैं इसमें कुछ अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों की कोताही भी समझता हूँ जी, क्योंकि असल बिल्कुल में सर ऐसे ही है। जो बुनियादी बात है, हम पहले जो गालिबन आप कह ले 25 या 30 साल थे, हम अपनी जमहूरियत को या कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह से लागू ही नहीं कर सके पाकिस्तान पे। एक अयूब खान का दौर आया, उसमें खुशहाली आई, तरक्की आई, सब कुछ आया, पर उसके आखिर में जो दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे उसमें इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए थे तरक्की के ऊपर ही। फिर जब 1971 के हालात हुए, तो अगर इंदिरा गांधी और इंडिया बीच में मुदाखलत ना करता तो पाकिस्तान शायद कभी भी ना टूटता। ये उनकी मुदाखलत की वजह से सब कुछ असल में। सर वो तो हमारा शुरू से दुश्मन है, दुश्मन ने तो मुखालफत करनी होती है, हम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए कि जवाब कैसे देना है, दुश्मन को कैसे देखना है। बट तो सर आपके बचपन का पाकिस्तान बेहतर था या आपकी जवानी का पाकिस्तान बेहतर था या आपके अब टाइम का पाकिस्तान? मैं आपको वही कह रहा था। वैसे एक मैं छोटी सी बात कर दूं, इसमें मैं ये जरूर महसूस करता हूँ ईस्ट पाकिस्तान की ब्रेकअवे में कि हमारे कुछ हुक्मरानों का या कुछ ग्रोह, सरकारी ग्रोह का हाथ था उस पर। मैं किसी और वक्त लंबी गुफ्तगू करूंगा, अभी जरूर सर आज के लिए मुनासिब नहीं है। तो दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, देखिए मैं आपको यही बता रहा था ना कि हर चीज का एक दौर होता है। जियाउल हक, अब मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जियाउल हक के खिलाफ बातें करते हैं कि जी मिलिट्री डिक्टेटर था, ये था, वो था, बट जियाउल हक अपने दौर की एक जरूरत था।
अगर जाउल हक को उस दौर में, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से निजाम चलते हैं, बिल्कुल जाउल हक अपने दौर की जरूरत है, जाउल हक की जगह पे कोई और हुक्मरान होता तो शायद वो रूस का उस तरह मुकाबला ना कर सकता जिस तरह जाउल हक। अभी भी निजाम अल्लाह पे चल रहा है, पाकिस्तान के जो हालात है। हाँ जी, मैं तो यही समझता हूँ, हालात तो अल्लाह पे ही चल रहे हैं, बट अल्लाह पे चल रहे हैं सही बात। तो सर ऑनेस्टली आपके ख्याल से जियाउल हक साहब के जो फैसले थे उस वक्त के दौर में वो अच्छे फैसले थे या कुछ, क्योंकि बहुत से लोग उनको खिलाफ कहते हैं, वो लोग जो उनके साथ उनके पीछे पीछे घूमते थे, बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो आजकल बहुत फ्रेम में है, जो उनकी बगल में खड़े होते थे, आजकल हाँ जी उन्हीं की पार्टी उनको उस गद्दार डिक्टेटर पता नहीं क्या क्या बोलती है, तो आपके हिसाब से जियाउल हक साहब कैसे इंसान थे? मैं तो समझता हूँ ये ठीक थे। मैं तो ग्रो अप ही जिसको कहता है जियाउल हक के दौर में, बेसिकली जनरल जियाउल हक के दौर में किए। मैं 12 साल का था तकरीबन जी जब जनरल जिया ने टेक ओवर किया, तो मैं जी तो एक तरह जवान ही जनरल जियाउल हक के दौर में हुआ हूँ। फिर मैं आप स्कूल में बैरोमीटर थे टूर तब? में तालीम हासिल करने चला गया जब ये जी सारी अफगान जंग चल रही थी, तो मैं अमेरिका में 5 साल मैं तालीम हासिल करता रहा। तो वहां पर अरे मुझे एक आउटर पर्सपेक्टिव भी जियाउल हक का मिलता था। तब अमेरिकन जो थे वो जियाउल हक को बहुत अजीम लीडर समझते थे, जो कि अपने तौर पे जियाउल हक थे, अपने वक्त की जरूरत थे, अपने वक्त के मुताबिक मेरे नजदीक उन्होंने बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया। बट ऑफकोर्स हर हुक्मरान की, हर दौर की कोई ना कोई कबाहतें जरूर होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती हैं। जनरल जिया के दौर में भी थी, भुट्टो के दौर में भी थी, उसके बाद के दौर में शायद उन दोनों दौरों से बहुत ज्यादा थी। बट हाँ यही हमारे मुल्क का मसला है, जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक वो ये है कि हम सही तरह की क्यादत नहीं पैदा कर सके, सियासी क्यादत जो होती है। अगर हम सर सियासी हम क्यादत बे लॉस जी और जो पाकिस्तान से हकीकी मोहब्बत करने वाली सियासी क्यादत पैदा कर लें, तो कभी भी मार्शल लॉ या इस तरह की सिचुएशन ना पैदा हो। ये तो हमारे अपने सियासी कायदीन हैं जो कि इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि फौज मजबूर हो जाती है। पहला मजबूर हो मार्शल लॉ जो जाते। पाकिस्तान की तारीख में था वो सिविलियंस ने लगाया था, फौज ने नहीं लगाया था। अच्छा आपको सर शायद ये एक बड़ा मालूम ट्रेंड चलता है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जी। अगर आप कोई भी पार्टी जब इलेक्शन हार जाती है जी तो वो जी ये क्यों ब्लेम करती है कि इसमें फौज इन्वॉल्व है, फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया। जिन मुल्कों में फौजी नहीं उनका आप हालात देख रहे हैं, फलस्तीन देख रहे हैं, लीबिया, शाम, इराक, तो हम लोगों को आपस में डिवाइड कर दिया हमारे पॉलिटिशियन ने, तो ये क्यों करते हैं? जब भी कोई हारता है, जब जीतते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब ये हार जाते हैं फिर ये बीच में कहते हैं एजेंसी इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है, इसमें ISPR है, आर्मी है, ये है, आप समझते हैं इस पर चीज? हाँ जी, पर मैं ये नहीं समझता कि ये इन सारी चीजों का जो क्या नाम है, नेगेटिव एलिमेंट है वो फौज या एजेंसीज है। मैं समझता हूँ नेगेटिव एलिमेंट सियासतदान खुद है, बिल्कुल आई ये एग्री विथ खुद सर, उस चीज को क्रिएट करते हैं, ये ऑफ खुद फौजियों के पास या एजेंसियों के पास जाके एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, सबूत लेके जाते हैं। उस सबूत पे अगर कोई कार्रवाई करता है तो फिर अगले जो मुलजिम होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पीछे फौज पड़ गई है, हम बेगुनाह हैं। ये तो हमारे मुल्क का वतीरा है। कोई भी जो मेरे नजदीक लॉ इन्फोर्सिंग या आर्म्ड फोर्स है, वो कभी भी सिविलियन अफेयर्स में तब तक मुदाखलत नहीं करती जब तक हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले नहीं होते, क्योंकि हमारे सियासतदान कई दफा ऐसी सिचुएशंस को ले आते हैं, क्रिएट कर देते हैं, जो अच्छा कि सर आपने अमेरिका में हालात। स्टडी की है, आप अमेरिका में पढ़े हैं, आपने काफी दुनिया देखी है, मैं इस वक्त यूरोप में मौजूद हूँ, इटली में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बाहर के मुल्कों में जिन लोगों को हम काफर कहते हैं, ये कहते हैं, यहाँ पे अगर कोई चोर करता है, कोई चोरी करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई रेल मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलता कि इस कंट्री में कुछ हुआ है, सिर्फ टीवी पे एक न्यूज आती है, लोग उसको देखते हैं। हमारे मुल्क में किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई भी सबूत, कोई केस आता है चोरी का, करप्शन का, करप्शन तो आम सी चीज है, हर MP MLA बड़े बड़े कर रहे हैं, तो हमारे लोग सड़कों पे क्यों निकल आते हैं? क्या ये तालीम की कमी है, क्या ये जहनी कमजोरी है, इसको कैसे समझते हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि जहां तक मुझे याद है इटली में भी तो एक वजीर आजम साहब को उन्होंने फारग किया था इसी तरह करप्शन के चार्जेस अभी पे। देखिए रिसेंटली पिछले दिनों में इंटीरियर मिनिस्टर को फारिग किया है इन्होंने, ये 2-3 माह कोई पहले। 5-6 साल पहले वो कुछ मुझे नाम अब भूल गया है, वो जो एक साहब थे आपके बड़े, वो
फ्लैम्बॉयंट टाइप के, जी बिल्कुल जी, मुझे भी उनका नाम नहीं याद आ रहा, बिल्कुल भी याद आ रहा, बड़े असेंबली से निकाल दिए आपके, काफी साल वजीर आजम रहे थे। बट जी जी ये बात ये होती है कि यहाँ पर जो सियासी निजाम बन गया हुआ है पाकिस्तान में, उसमें आप एक चीज इस हवाले से उसको देखें कि उन्होंने एक अपना, जिसको कहते हैं ना, जब वो इख्तदार में होते हैं जो हुकूमती जमातें होती है, वो अपनी एक क्लास या वर्कर क्लास या एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उनको नौकरियां देते हैं, उनको फाइनेंशियली बेनिफिट करते हैं, उनके गलत कामों पे कवर अप करते हैं, फिर वही लोग उनके लिए जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो सियासी भर्ती जिसे कहते हैं, सियासी भर्ती है। हाँ जी। और आज अब आपको, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, आपने दो तीन दिन पहले एक वाकया सुना होगा जो कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अब लोग ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे दिए हैं उन लोगों को कि आके वहां पे एहतजाज करें। हमारे सरकारी अदारे महफूज नहीं है, हमारा नैब है, हमारा लॉ सिस्टम है, अदलिया है, हमारे पुलिस स्टेशन है, आम आदमी को कैसे वहां पे इंसाफ मिल सकता है जो हमारे मुल्क के इदारे चलाते हैं। आम आदमी को तो चले फिर भी इंसाफ मुश्किल से या जिस तरह भी है मिल जाता है। जो खास लोग हैं यहाँ पे वो तो सरकारी इदारों को खातिर में नहीं लाते। मैं तो सारी उम्र वकील रहा हूँ, मेरा बुनियादी पेशा जो है वो वकालत है, और वकालत के साथ मैंने तो देखा है कि थानों में क्या होता है, कचहरियों में क्या होता है, अदालतों में क्या होता है। आम इंसान की फिर भी दादरसी हो जाती है कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह से, चाहे देर से भी हो। बट जो एक हुक्मरान तबका आपके मुल्क में बन गया है, वो हर चीज चाहे चोरी भी करे जायज है, डाका भी डाले जायज है, कत्ल भी करे जायज है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये नहीं है बात कि वो एक जमात पावर में आ जाए तो दूसरी को वो सजा दे, वो बीच में आपस में मिल जाते हैं। सर गरीब आदमी का हिसाब कवर में होता है, 5 साल मैं हुकूमत कर लेता हूँ, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। यहाँ बारी है सर, गरीब आदमी का हिसाब कवर में होता है, और हमारे जो पॉलिटिशियन इनका हिसाब लंदन में होता है, ये भी एक बहुत बड़ी लीप है। किसी सियासी जमात का कोई भी है, हमारा दूसरा घर है कोई भी यहाँ पे। बिल्कुल आपके पास सर, छोड़े ये चीजें, अल्लाह ताला दुआ करते हैं हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें। आप क्या देखते हैं कि कश्मीर, आप किस तरह से आप देखते हैं? आप एक वकील हैं, आप एक बहुत बड़े खानदान से हैं, हमारा हमारा गर्व है आप। सो आपको देख के मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है, ऐसे लगा जैसे लामा साहब से मैं बात कर रहा हूँ। ये जिंदगी में पहली बार मैं आपसे लाहौर में मिलता रहा हूँ, लेकिन वो पुरानी बात है जब मैं लोकल चैनल में काम करता था उधर। तो सर आपको क्या लगता है, एज के साथ आपकी नजर कमजोर हो गई है? नहीं नहीं सर, मुझे एज के साथ ज्यादा लगना शुरू हो गया लामा साहब की तरह। नहीं नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे हमेशा। बात है सर, ये बताइए कि आप पुराने पाकिस्तान को जो 90 की दहाई से पहले का था और जो 2000 ये पाकिस्तान है, इसमें आपको क्या चेंजिंग नजर आई है? देखिए ना जी, जनरल कोई मैं आपको बता रहा, जनरल जाउल हक का दौर तो एक और तरह का दौर था। इस्लामी निजाम था, शरीयत का निफाज था, सारा कुछ था। उसके बाद जो सियासी अदवार रहे हैं ना, वो को मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को उनसे कुछ फायदा हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हुआ है, नुकसान है। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, मैं तो इस चीज का ये अब देखता हूँ जो हालात, मुझे तो ये लगता है कि अब यहाँ पे अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, बेहतर दिन हमें दिखाए, वरना अगर हमने दिन ब दिन फिर पाकिस्तान अकेला होता जा रहा है, दिन ब दिन उन पे छोड़ दिया जाए तो वो तो मुल्क को अपने आपस में बांट लें, इस हिस्से के हुक्मरान तुम बन जाओ, उसका मैं बन जाता हूँ, उसका अभी अभी भी बातें चल रही है, कोई कहता है सिंध अलग कर दो, कोई कहता है बलोचिस्तान अलग कर दो, कोई केपी, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ सही नहीं है। ये एक असल में अब फिर वो बात सियासत पे आ जाएगी, ये पीछे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके एक 18वीं तरमीम पास की थी, आपने सुना होगा शायद। जी जी बिल्कुल। अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो तो वाकई पाकिस्तान के चार टुकड़े बन जाएंगे, बन जाएंगे। सही कहते हैं ना, वो सारे इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे, सेंटर कमजोर हो जाएगा। अलामा साहब और कायद आजम ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जिसमें सेंटर कमजोर हो, आप अपने सूबाई तासुबात को छोड़कर एक पाकिस्तानी कौम की सूरत में उभरे। तो अब आपके जब सियासी हुक्मरान इस चीज को निगेट करने की कोशिश करते हैं अपने इख्तदार को बढ़ाने के लिए, तो
अल्लाह ही रहम करे। और इसी तरह के हालात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सियासतदार वो हालात क्रिएट करते हैं जिनसे। अच्छा एक सर सियासत पे थोड़ा सा एक आपसे मैं सवाल पूछूंगा, ये मेरा पर्सनल है कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान कोई किसी को अगर मार देता है, कोई गाड़ी के एक्सीडेंट से मर जाता है, उनके दरबार बनाए जाते हैं, उनके इतना शहीद करे जाते हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, इतनी कुर्बानियां दी, हमारे पॉलिटिशियन ने कभी उनके बारे में बात नहीं की, लामा साहब के बारे में, कायद अजम साहब के बारे में, वो कहते हैं मेरा फलाना शहीद था, उन्होंने कुर्बानियां दी। जिन लोगों ने कुर्बानियां दे के ये पाकिस्तान को बनाया है, उनके बारे में ये आप क्या समझते हैं? ये दो राय हैं, दो पाकिस्तान है, तीन कितने, हर हर इंसान जो बंदा कहता है कि मेरे पास पावर है वो उसको काट दो, ये पाकिस्तान किसी के बाप की जगह ही नहीं है। आपके बुजुर्गों ने हमारे बुजुर्ग ने कुर्बानियां दी है, ये कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं जिसको काट के आधा उसको दे दो आधा उसका दे दो, ऐसे कैसे कर सकता है? सिंध कहता है हमें अलग कर दो, वो कहता है, ये नहीं है, ये पॉलिटिशियन है, ये आम सिंध आदमी भी नहीं कहता जाएगा है कि कर मुझे अलग कर दो, ये सिंध के हुक्मरान कहते हैं कि हमें कहते इख्तियार हैं, दे बिल्कुल दो, हुक्मरानों की बात कर रहा हूं मैं, मगर आम पब्लिक की इसका बात नहीं कर रहा हूं। अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम में हुकुल उतनी है, बहुत ज्यादा है। मैं जाता हूँ स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूँ अलामा साहब के हवाले से, बहुत ज्यादा जी, तकलीफात में जाता हूँ, लामा तो साहब के ये स्टूडेंट महसूस कम्युनिटी होती है, फेवरेट होती थी। मुझे महसूस होती है लोगों में कितनी हुबुल वतनी है, कायदे आजम और अलामा साहब से कितनी मोहब्बत है। ये आपके हुक्मरान तबके का सारा मसाइल है। तो और सर इसी कश्मीर वजह को आप से कैसे देखते हैं? कश्मीर जो आजकल चर्चा में चल रहा है बहुत, आज की जो पॉलिटिशियन हमारी न्यू पीटीआई गवर्नमेंट कर रही है या पहले जो था, क्या ये एक बिजनेस ही रहेगा या इसका कोई लायमल होगा? मैं क्या इंडिया भी इस पे कमा रहा है, पाकिस्तान भी कमा रहा है, हम लोग ट्विटर पे जंग लड़ते हैं, कोई हमारी पॉलिसीज नहीं है, हमसे हम अमेरिका को कहते हैं अमेरिका हमसे दूर है, अरब अमारात हमसे दूर है, इसराइल की बात आती है हम मरने मराने पे आ जाते हैं, जो हमारे अंदर अंदर के हालात हैं जो हम कश्मीर के साथ हैं, इसके बारे में बताइए कि आपके हिसाब से जो अब पीटीआई गवर्नमेंट है आजकल बड़ा चर्चे में है, कश्मीर का मुद्दा हर सेटअप पे सबसे आगे होता है, तो आप कैसे इसको देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे करेगी पीटीआई कश्मीर का हल? आपको लगता है ये हल हो पाएगा या नहीं? आपका जाती ओपिनियन क्या है? मेरी जाती ख्वाहिश तो यही है कि ये मसला हल हो। हमारे आमीन, आप हम भी दुआ करते हैं। मेरे असल में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं मकबूजा कश्मीर में, फेसबुक पे भी दूसरे जी सोशल मीडिया चैनल्स पे भी, तो मैं अक्सर उनकी बातें सुनता रहता हूँ, उनके एहसास का मुझे एहसास होता है। जिस चीज से वो गुजर रहे हैं, अगर कायदे आजम और अल्लामा इकबाल साहब ना होते तो आज पूरा पाकिस्तान उस तरह की हुक्मरानी के नीचे कुचल दिया गया होता। वो तो कश्मीर वाले भी फिर भी बेहतर हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान उनके सिर पे बैठा हुआ है, इंडिया को पता है कि अगर वो ज्यादा उधर तकलीफ देंगे लोगों को तो पाकिस्तान मुदाखलत करेगा। पर अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आपको आज अंदाजा नहीं है कि मुसलमानों के यहाँ पे क्या हालात होते हैं, आप अपनी सही शान सही को बात क्यों है, बैठे होते हैं। को बैठ पर सही बात है, ये तो हम एहसान मंद है कायद के। दूसरी बात जो है कि कश्मीर पे अब क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं किसी भी हुकूमत की कार्रवाई के, सियासी हुकूमत की कार्रवाई के कश्मीर के हवाले से। आप समझते हैं गाने बना के या नक्शे बना के या सड़कों पे खड़े होके 2 घंटे दोपहर को हम कश्मीर को आजाद करवा लेंगे? कश्मीर बिल्कुल को नहीं, आजाद करवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत है। अगर आपका कोई घर या जायदाद है तो आपको कोई कहे कि यार ये 6 इंच का टुकड़ा या आधे मरले का टुकड़ा मेरा है और ये मुझे दे दो, तो आप जी तो मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई भी बिल्कुल नहीं सर, देने के ऐसा लिए तैयार होगा। तो ये तो जी, बहुत सख्त तरीके से हमें हासिल करने की जरूरत है। अब मैं किसी इसके को लिए जंग क्या या फौज सर की जंग मदद नहीं करनी दे चाहिए या सकता। अपनी खारजा पॉलिसी मजबूत करनी चाहिए? जंग है या पॉलिसी है? पॉलिसी तो बड़े सालों से चल रही है, जो भी 5 साल में आता है वो कश्मीर के गुण गाता है, हमसे गुण हाँ जी, गवाता है पर मुझे और वो लगता है आप चला देखे, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब आप पीछे दौर पिछले द्वार में देख ले, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मौलाना फजलुर मैं रहमान उनके थे। नाम जी तो नहीं लेना चाहता, पर जी ऐसे वही भी थे। मौलाना हजरात हैं जिनका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है जो इंडिया में है, जो कहता है कि जी कश्मीर जो है उसको खुदा ना खास्ता कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और उसी इदारे के जो मौलाना पाकिस्तान में है उनको आप कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं, तो आप क्या तवक्को रखते हैं? ये तो हमारे सर हालात, हम एक लोग इससे जो पहले खाना, वो एक जमाने में इसी तरह ये कश्मीर कमेटी को एक वो पिछले जमहूरी हुकूमतों में तो एक किस्म की वो ट्रॉफी के तौर पे या सियासी रिश्वत के तौर पे देते थे कि जी आपको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं, इसमें मुराद भी मिलेंगी, गैर मुल्की सैरें भी होंगी, जी
मर्सिडीज भी मिलेगी, फलां भी मिलेगी, वो करते कुरते वो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर मैं ये हम टैक्स दे के पैसे वो इनको देते हैं, आप बात करते हैं, काम करते हैं, आप अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, ये हमारे पैसे हैं जो ये लोग जिसपे फल फूल के मोटे ताजे होते हैं, ये कोई आसमान से नहीं पैसे आते, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारी मुमलिकत के पैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हमारे टैक्स के पैसे हैं, ये जो जहाजों में घूमते हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ये खाने खाते हैं, ये अवाम का पैसा। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है, ये ब्रांड इंग्लिश पहनते हैं, ये खाना इंग्लिश खाना पसंद करते हैं, स्टाइल इंग्लिश रखना पसंद करते हैं, हमारे जो सियासतदान है जब भी कोई इनकी बात आती है, सर इस्लाम क्यों खतरे में पड़ जाता है? कोई भी सियासतदान जब पसने पे आता है उसको इस्लाम खतरे में नजर आता है, क्या इस्लाम इतना कमजोर है जो हर इस्लाम तो नहीं इतना कहते, आप तो वो ज्यादा अपने मसाइल मसलों मसाइलों में पड़ जाते हैं, बट बात दुरुस्त है आपकी के कोई ना कोई बहाना तो आप, जाहिर बात है चोर कभी ये तो नहीं ना कहेगा कि वो चोर है, वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा कि जी ये तो गलती से मैंने उठा ली या मुझे सड़क पे पड़ी हुई चीज मिल गई, वो तो नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। तो सर सर एक मेरा सवाल है आपसे, टाइम दिया है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमारे यूरोप में ज्यादातर जो लोग है ना हमें ताना देते हैं हमारे जो मदरसा सिस्टम है उनका, तो हुकूमत को ये नहीं चाहिए ये जो जितने पाकिस्तान में मदरसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं इनको सबसे गवर्नमेंट की कस्टडी में लिया जाए, जो भी उलमा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहेगा चाहे वो खवातीन है चाहे वो मर्द है, इनका इंटरव्यू गवर्नमेंट का इदारा करेगा। कुछ ऐसे भी हजरात है जिन्होंने हिफ्ज भी नहीं किया होता, वो मदरसों में अपनी तालीम देते हैं, वहाँ पे एक एक लिमिट होनी चाहिए कि मदरसे में इतने बच्चे रहेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इतने बच्चे, ये फलाना बच्चा वहाँ से है वहाँ से है, तो ये चीजें जब वहाँ पे ऐसे वाकयात होते हैं आए दिन बदफेली होती है मदरसों में, तो पाक जगह है, तो आपके हिसाब से ये जो मैंने आपसे बात की है कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जितने भी ये मुल्ला हजरात हैं इनको गवर्नमेंट के अंदर रह के मदरसों में इनको सैलरी भी गवर्नमेंट दे, और जितना भी वो सारी लड़ाई जो है वो चंदे की होती है मौलवी में, इसलिए दिन खतरे में। हाँ जी, पर उसमें एक दो कानूनी पेचीदगियां भी हैं, वैसे ये अल्लामा इकबाल साहब का ही ख्याल था सबसे पहले कि जो तमाम मदारिस हैं उनको एक तरह से यूनिवर्सिटीज बनाया जाए, वहां पे वेस्टर्न तालीम भी दी जाए इस्लामी तालीम के साथ साथ, ताकि सारे लोगों को हर चीज का इल्म हो। तो और दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपको लोग तंग करते हैं कि जी मदरसों में ये होता है वो होता है, तो वो इनके गिरजों में भी वही कुछ होता है जो गलत काम, अगर कोई नेगेटिव चीज जो होनी होती है ना उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता, शैतान का कोई मजहब नहीं है, शैतान हर मजहब के लोगों में वो अपने गुनाह की जो है ख्वाहिश पैदा करता है, तो वो दुनिया की हर जगह पे है, उसको आप सिर्फ मदरसे को ब्लेम नहीं कर सकते, वो कलीसा में भी होता है चर्चों में भी होता है। अब मैं आपको ये कहना नहीं चाहता, आपको खुद मालूम है आपके अपने इटली के अंदर जहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा वो है सेंटर या वेटिकन, वहां पर भी लोगों पे इस तरह के मुकदमे चलाए जाते हैं कि ये इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो उसका ताल्लुक मदरसे से या इस्लाम से नहीं है, वो हर मजहब में शैतान अपने। अच्छा सर लास्ट पे आपसे खत्म करना चाहूंगा कि आप लोग आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को या कैसे मामलात को देखना है आजादी या हमारे आने वाली नस्लों के बारे में, आप कुछ गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहें, और दूसरी बात आप माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली से आया, आप पॉलिटिशियन में नहीं आए, आपने मुल्क के लिए ये चीज नहीं सोची कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं मसलन मैं कोई ऐसा। देखिए पहली चीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हजरत अल्लामा इकबाल और कायदे आजम ने जो भी रियासत पाकिस्तान हासिल करने के लिए किया वो उन्होंने अपनी औलाद के लिए नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उनकी औलाद यहाँ पे सियासी तौर पे कामयाब होके सदर बन जाए या वजीर आजम बन जाए या कुछ बन जाए, उन्होंने आप लोगों के लिए किया है ये सब कुछ। तो मुझे भी यही तवक्को है कि आप लोग अपने अंदर से वो क़यादत पैदा करें जो कायदे आजम। सर कैसे गरीब आदमी असेंबली तो दूर, गरीब आदमी तो सरकारी नौकरी पे नहीं आ सकता, कि एक आम पढ़ा लिखा जवान कैसे सियासत में आएगा, यहाँ पे तो नंबर लगे हैं, पहले बच्चे का बच्चा उसका बच्चा, यानी कि 40-40 45-45 साल वाले हुक्मरान उनके बच्चों के भी हमें अपने शऊर के जरिए तब्दील करने की जरूरत है। इसी चीज के खिलाफ हजरत अल्लामा इकबाल ने आवाज बुलंद की थी, इसी को ये एक मुलुकियत की ये तरीका है, आप मुलुकियत समझते हैं ना क्या होता है, विरसे में बादशाहत मिलना,
कि एक शख्स का बाप बादशाह है तो उसका बेटा बादशाह बनता है, फिर उसका बादशाह बनता है। ये बादशाहत है, ये बादशाहत है, ये जमहूरियत नहीं है, ये बादशाहत है, ये मुलुकियत है, इसमें भी बादशाहत है कि मेरा बेटा बने, मैं वजीर आजम हूं, मेरा बेटा या बेटी वजीर आजम बने। ये जो हेरिडिटरी मोनोपोली है पावर की, इसी के अलामा इकबाल खिलाफ थे। तो अगर मैं हजरत अलामा इकबाल की औलाद होते हुए इक्तदार की ख्वाहिश करूं तो मैं तो हजरत अलामा इकबाल के अपने मकसद को डिफीट कर रहा हूँ, तो जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ जो इज्जत इज्जत और मोहब्बत मुझे लोग अलामा साहब की वजह से देते हैं उसमें मैं ख्यानत कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं किसी अगर सियासी जमात में जाऊं तो वो एक सियासी जमात में 10 लोग खुश होंगे, बाहर के उस सियासी जमात के 100 मुखालिफ नाराज होंगे, क्योंकि वो भी अलामा इकबाल साहब के फॉलोअर्स हैं। अलामा इकबाल साहब किसी एक मखसूस सियासी जमात की मिल्कियत तो नहीं है, अलामा इकबाल तो सारे पाकिस्तानियों की मिल्कियत है, कायदे आजम भी सारे पाकिस्तानियों की मिल्कियत है। मैं अपने आप को क्यों एक सियासी जमात में महदूद करूँ जबकि बाकी जो उस सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते वो मेरे से नापसंदीदगी का इजहार करें। तो अच्छा सर, आप अभी आपके भी बच्चे अब हो गए हैं खुद, क्योंकि इन लोगों के लिए या आप लोगों के लिए ही तो ये मुल्क बनाया गया था, मेरे लिए तो नहीं बनाया गया था कि मैं इधर कोई बड़ी चीज बन जाऊं। मैं तो अपने हाल में बहुत खुश हूं, मैं तो आपकी बेहतरी देखना चाहता हूं। मेरे दादा ने इसीलिए इस मुल्क का तसव्वुर पेश किया था ताकि आप बेहतर दिन बेहतर जिंदगी गुजार सके। तो अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, टाइम कम है, आपके भी बच्चे हैं, आप पाकिस्तान को 2020 में देख रहे हैं, आप न्यू जनरेशन के हिसाब से कैसे आप समझते हैं ये न्यू जनरेशन आजकल के, पर ये कितना इंटरेस्ट ले रही है हमारे पुराने वक्त में, ये सोचती है कि नहीं कि हम लोगों ने कैसे पाकिस्तान को किया, हमारे बुजुर्गों ने, क्या ये आजादी नहीं है कि 14 अगस्त वाले ने बाजे झंडे लिए सड़कों पर पाँव पाँव की ये वो, आपके हिसाब से न्यू जनरेशन किस तरह से पाकिस्तान को देख रही है, जो क्योंकि यही फ्यूचर आने वाला जो न्यू जनरेशन है, हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको क्या लगता है ये न्यू इनके न्यू जनरेशन को आप कोई मैसेज देना चाहें जो हमारी न्यू जनरेशन है जो खासकर? हाँ जी, मैं तो यही समझता हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो उसमें हुबुल वतनी बहुत ज्यादा है मेजोरिटी के अंदर। जरूर एक हर जिस तरह हमारी सोसाइटी में एक लिबरल या दहरिया तबका है या पाकिस्तान मुखालिफ तबका है, वो आने वाली नस्ल में भी है पर इतना ज्यादा नहीं है। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी अभी भी नौजवानों की जो है वो मुहिब्बे वतन है, वो इस्लाम से बहुत मोहब्बत करती है। हजरत अल्लामा इकबाल की जो शायरी सोच और फिक्र थी उसकी बुनियाद जज्बाए इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। मैं देखता हूँ अल्लामा साहब की शायरी की तो गोरे भी दीवाने हैं, बहुत जिंदा है नौजवान नस्ल के दिलों में, बहुत जिंदा है। मुझे हजारों रोजाना मैसेज इस हवाले से आते हैं, तो मुझे नई नस्ल में किसी चीज की कमी नहीं नजर आती। मेरा पैगाम उनको यही है कि आप लोगों ने हजरत अल्लामा इकबाल और कायद आजम की ख्वाब और विजन की तकमील करनी है, अपने अंदर क्यादत पैदा करें, इन फुसुर्दा लीडरों से जान छुड़ाएं, जंजीरों को तोड़ें, ज़हनी जंजीरों को तोड़ें। जो जिस्मानी जंजीरें थी वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके लिए तोड़ सर, कुछ ऐसे अनासर हैं हमारे मुल्क में जो ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा गुलाम है, आज भी 1947 से पहले वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको समझ नहीं आती देख के हमारे मुल्क में डेवलपमेंट क्या है, हॉस्पिटल का निज़ाम क्या है, एजुकेशन क्या है, हमारी ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारे ओवरऑल जितने भी मसाइल आप देख लें, कैसे ये देख कैसे आप उनको बताएं, शायद आप लोगों की ये बात मान लें, आप लोगों की वजह से इन मुल्क में ये बैठ के नारे लगाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, करते हैं, इनको थोड़ा बहुत आपको कन्वे करना चाहें, आज आज़ादी का दिन है, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत आबाद रखे, सब बहन भाइयों को, अब इनके बारे में कहीं, ये जो कुछ ज़हनी गुलाम लोग हैं बहुत ज्यादा, जो हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, हर बंदे पर टॉलरेंस करते हैं, जीरो टॉलरेंस है, तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, इनकी बुनियादी वजूहात एक तो तालीम की कमी है, दूसरी मुआशी कमजोरी है, तीसरी आगे बढ़ने के जो मौके हैं उनको बंद करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप नौकरी तलाश करने की कोशिश करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप जाहिर बात है हर चीज के ऊपर आपकी टॉलरेंस जीरो हो जाएगी, या आप हर बात पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे।
अगर आप में तालीम होगी, अब आप देखें यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत पसमानदा इलाके समझे जाते थे, वहां पर सदियों से जो जागीरदार या सरदार या उधर इलाके के जो वडेरे थे वो कामयाब होते थे। अब वक्त गुजरने के साथ साथ खास तौर पे 1970 के बाद जो सियासत है पाकिस्तान की, इसमें ऐसे वेव्स आए हैं जिनमें उन जागीरदारों की इजारादारी सियासत पे खत्म हो गई है। अभी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई हरगिज भी, अभी भी आपके अगर आप अंग्रेज के दौर की, अंग्रेज के जो खास मोतमिद जमींदार और सियासतदान थे उनकी लिस्ट देखें तो उनमें से भी आज कईयों की औलाद आज की असेंबलियों में भी बैठी हुई है। सर आज भी वही निजाम है, जागीरदार ने मजलूम को पांव में बिठाया होता है, उसके कोई कान काट देता है। अब वो चीज तब्दील हो गई है, वो तो अर्बन एरियाज में या शहरी इलाकों में तो अंग्रेज के दौर में ही तब्दील हो गई थी। लाहौर से अलामा इकबाल साहब इलेक्शन लड़ के असेंबली के मेंबर थे, सिंध से बॉम्बे से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसके 1916 में मेंबर थे पाकिस्तान बनने से बहुत पहले। तो ये तालीम के जरिए ही कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और हजरत अलामा इकबाल दोनों हम्बल बैकग्राउंड से थे। मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये कायद आजम और अलामा इकबाल इतने बड़े बड़े आदमी हैं, हम इस तरह के किस तरह मान सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ यार कभी वो भी तो आपकी तरह बच्चे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा सर, आपके ओपिनियन से, आपके हिसाब से पीटीआई का दौर बेहतर जा रहा था या इससे पहले वाली गवर्नमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से इकोनॉमी के लिहाज से पीटीआई बेहतर थी या नू लीग बेहतर थी? पीपल्स पार्टी तो जीरो थी ना, उसको तो आप छोड़ दें, ये सियासी हो जाएगी थोड़ी सी बात। मैं तो दोनों में से या किसी भी सियासी जमात का फॉलोअर नहीं हूं, तो इसलिए अगर मैं तो सारों के खिलाफ हूं तो मैं तो इस पे मतलब सही नहीं कह सकता। नून लीग के दौर की और चीजें होती हैं, नून लीग के दौर में। चलें सर, अगले प्रोग्राम में कभी हम आपके साथ सियासी गुफ्तगू करेंगे मुल्क की चीजों के बारे में। अभी आप कोई लामा साहब को कोई शेर सुनाना चाहें अपने, जो आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये बात ये है कि जब भी मैं लामा साहब की बात करता हूँ ना तो पहली चीज जो है मैं उनके जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इसी चीज को उस अलामा साहब की सोच और फिक्र की बुनियाद समझता हूँ। जो कुछ भी हजरत अलामा इकबाल साहब ने किया उन्होंने उम्मत की बेहतरी के लिए किया, इंसानियत की बेहतरी के लिए किया, क्योंकि हुजूर सल्लत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही सिर्फ रहमतुलिल मुस्लिमीन थे बल्कि रहमतुलिल आलमीन थे। तो उस हवाले से जो मैं हमेशा, मुझसे अगर ये स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं कि ये अलामा साहब के कलाम का जो लुबे लुबाब है या क्रक्स है वो हमें बता दें, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वो जवाब शिकवा के आखिरी दो तीन शेर हैं, मैं आपको दोहरा देता हूँ, सुना देता हूँ। तो उसमें हजरत अलामा इकबाल साहब, तो जवाब शिकवा आपने पढ़ी होगी, सुना होगा, एक अलामा साहब ने नज़म लिखी थी शिकवा, अल्लाह ताला से शिकायत की ये हमारे मुसलमानों के हालात देखें किस तरह खराब हो गए। तो फिर दूसरी नज़म, दोनों तवील नज़में, दूसरी नज़म लिखी थी जवाब शिकवा के, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब के तुम्हारे में ये 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 खामियां हैं, इनको दुरुस्त करो फिर तुम वापस उसी तरह हो जाओगे जिस तरह तुम्हारे बुजुर्ग थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके आखिर, उसका जो आखिरी बंद है उसमें हजरत अलामा फरमाते हैं, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मासिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। समझ रहे ना सारी बातों को? क्या बात है सर। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। आप ये देखें ना, अलामा साहब की तदबीर थी क्या बात, मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत बने, कायद आजम की काविशों के जरिए अल्लाह ताला के हुक्म पर करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बन गई पाकिस्तान की सूरत में, ये अलामा साहब की तदबीर थी। तो ये अलामा साहब फरमाते हैं, तकदीर, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। और मुसलमान होने का तरीका भी बता देते हैं अगले शेर में जी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, वाह वाह, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो मेरा तो यही पैगाम होता है कि सबसे पहले, सबसे पहली चीज जो है, हम
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، حیات طیبہ سے سبق حاصل کریں، اسلام کو، اپنے دین کو، قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھیں، پھر ان جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کا اپنی زندگی میں اطلاق اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں جہاں تک بھی ہو سکے۔ انسان خطا اور گناہ کا پتلا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا یا سوچ بھی سکتا کہ ہر انسان کوئی پرفیکٹ ہو سکتا، بالکل سر بالکل، پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پرفیکٹ تھی میرے نزدیک بھی اور حضرت علامہ اقبال کے نزدیک بھی۔ واحد جس کو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ قابل تقلید، کے جن کی فالوئنگ کی جا سکے، کوئی اور شخص ایسا نہیں کہا بھی سوچا بھی جا سکتا۔ تو سر آپ کا کافی ٹائم لیا، آپ سے تھوڑے سے ٹائم کی ہم نے عرض کی تھی تو کافی ٹائم ہو گیا، آپ کی طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن لگ رہی ہے آج، آپ پورا دن آپ نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے، ہم آپ کو دل سے سلیوٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے اٹلی میں رہنے والے لوگوں کے لیے، تھوڑا سا کوئی آپ جو لوگ ہمارے اٹلی میں ہمارے بھائی رہتے ہیں سر۔ ہاں جی، میں نے تو وہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ اگر آپ یہاں پر بھی ان لوگوں کے اندر، آپ ایسے بھی، مجھے پتا ہے کہ ایسے یہاں پہ بھی لوگ ہوں گے، مختلف یورپین ملکوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ دو دو تین تین جنریشن سے وہاں رہ رہے ہیں، جن کو آپ پاکستان کا کچھ پتہ نہیں، پاکستان کی زبان کا نہیں پتہ، پاکستان کے آئے ہی نہیں، کبھی وزٹ ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر آپ اپنے ملک کا، جس ملک میں بھی آپ بس رہے ہیں، اس کا حصہ بن کے رہیں، اس کے نظام میں شامل ہوں، اپنی انڈیویجویلٹی مینٹین کریں۔ جس طرح سمندر میں کروڑوں قطرے ہوتے ہیں پر موتی جو ہوتا ہے وہ اپنی شناخت ہمیشہ۔ بالکل سر بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات۔ آپ، میں تو تمام جو پاکستانی، تمام بیرون ملک رہتے ہیں، میں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی اپنائیت جو ہے، اپنی جو پاکستانیت ہے اور اپنا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کریں، اس کو اجاگر رکھیں۔ اس کو آپ اجاگر رکھیں گے ہی تو آپ سروائیو کر سکیں گے یہاں پہ، ورنہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو کے آپ کا پتہ نہیں چلے گا۔ سر آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے پردیش میں رہنے والے ہیں، ہمارے ملک کے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنائے ہمیں اپنے ماں باپ کے بیچ میں رہنے کا موقع ملے، کسی کو پردیش میں جانے کا۔ اللہ میری بھی یہی دعا ہے، دعا کر میری یہ بھی دعا ہے، ماں باپ سے دوری، بہن بھائیوں سے دوری، خوش و خرم رہے اور شاد و آباد رہے جہاں بھی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ منیب اقبال صاحب، میں آپ کا دلی کے گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ آپ سے پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور تمام سب کی، سب کو، آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد سر، تھینک یو سو مچ، آپ آئے، آپ نے بہت شکریہ سر، آباد رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، پاکستان زندہ باد۔